हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ जो टेक्स्ट में आप ग्लोइंग इफेक्ट देख रहे हो, इस इफेक्ट को आप सिर्फ सीएसएस के माध्यम से बना सकते हो। इसे कहा जाता है नियोन लाइट इफेक्ट। वेलकम टू वेब इंस्टीट्यूशन, एन इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एजुकेशन। वैसे इससे पिछला वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल था, जॉब्स आफ्टर सी एंड सी प्लस प्लस। इस वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। ऐसा ग्लोइंग इफेक्ट बनाने के लिए आपका कलर कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। जैसा कलर आप सही से मिक्स करोगे उतना अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ जो ग्लोइंग टेक्स्ट इफेक्ट आपको दिख रहा है, ये इसलिए सूट कर रहा है क्योंकि बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। अगर बैकग्राउंड कलर व्हाइट होगा तो सूट नहीं करेगा। सेम उसी प्रकार से जब भी आप ऐसा इफेक्ट बनाओगे तो बैकग्राउंड कलर के अकॉर्डिंग ही आपको इस तरह से ग्लोइंग टेक्स्ट में कलर को आपको मिक्स करना होगा। अपने टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आ जाइए और बॉडी का कलर चेंज कर दीजिए। जैसे मैंने बॉडी का कलर ब्लैक डिफाइन कर दिया। इसके अंदर एक डेवलपमेंट को प्रिपेयर करेंगे जिसमें H1 के माध्यम से जो टेक्स्ट आप राइट करना चाहते हो वो आप राइट कर दो। मैंने राइट कर दिया वैप इंस्टीट्यूट। अब इस डिव को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे सीएसएस के शब्दों में। स्टाइल को शुरू करके ऐसे बंद कीजिए। डिव आपका कॉन्टेनर है इसीलिए इसको डब्बा का रूप देंगे। तो डिव को सेलेक्ट कीजिए और इसका विड्थ डिफाइन कर दीजिए fit-content। फिट कॉन्टेंट इसलिए देंगे ताकि इसका विड्थ ऑटोमेटिक कॉन्टेंट के अनुसार अरेंज हो जाए। हाइट नहीं देंगे। इसमें बॉर्डर डिफाइन करेंगे 1 pixel। सॉलिड, जैसा आपका बैकग्राउंड कलर होगा बॉडी का वैसा ही बॉर्डर आप यहाँ पे दोगे। मैंने डिफाइन कर दिया 1 pixel सॉलिड ब्लैक। पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और इसका वैल्यू रिलेटिव डिफाइन कर दीजिए और फिर मार्जिन का वैल्यू 0 auto ऐसे डिफाइन कर दीजिए। जो H1 है उसे सेलेक्ट करेंगे। इसमें कोई ID वैल्यू दीजिए, जैसे मैंने 1 के नाम से ID वैल्यू डिफाइन किया, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए 1। font-size ज़रूरत के अनुसार डिफाइन कर दीजिए। मैंने डिफाइन कर दिया 200 pixel। फॉन्ट का कलर चेंज कर दीजिए व्हाइट। जरा देखिए रन करने पे ऐसा दिखा। हमें ऐसा कर्सिव इफेक्ट में दिखाना है, यानी कि फॉन्ट फैमिली चेंज करना होगा। तो मैं जो फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल करने वाला हूँ वो आपके PC में नहीं होगा, वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। फॉन्ट का नाम है डाइजेशन डेमो। अगर इस फॉन्ट के नेम को इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो फॉन्ट होगा वो इस तरह का कर्सिव दिखेगा। तो ऐसा फॉन्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। इस तरह से फॉन्ट का नाम दे दीजिए और ऐसे राइट कीजिए फॉन्ट डाउनलोड, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए फर्स्ट लिंक आया, इसी पे क्लिक करके हम इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। फिर फॉन्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप उसे इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल होने के बाद जब आप ऐसे नाम दोगे तो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में भी काम करेगा। अब इसमें आप शैडो को पास करो, टेक्स्ट है इसीलिए टेक्स्ट शैडो को पास करेंगे। इसी शैडो की वजह से ग्लोइंग इफेक्ट आपको दिखेगा। तो ज़रूरत के अनुसार आप यहाँ पे शैडो का कलर वगैरह मिक्स कर दो। तो मैंने डिफाइन किया 0 pixel 0 pixel 30 pixel रेड। रन कीजिए, देखिए कुछ ऐसा इफेक्ट ऑटोमेटिक दिखाई दिया। इसमें थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग देंगे ताकि प्रत्येक लेटर के बीच में थोड़ा सा गैप आपको दिखाई दे। तो ऐसे letter-spacing का इस्तेमाल कीजिए और 5 pixel डिफाइन कर दीजिए ताकि प्रति लेटर के बीच में आपको 5 pixel का दूरी इस तरह से दिखाई दे। अब जिस तरह से आपने इसको बनाया वैसे ही एक और आपको बनाना है सेम। जैसे देखिए ये जो H1 है इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे ओके, और इसका ID वैल्यू चेंज कर देंगे। इसमें डिफाइन कर दीजिए 2। अब इस 2 को डिज़ाइन कीजिए, सेम इसी प्रकार का होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो CSS में जो 1 का कोड था उसी को कॉपी करेंगे और 2 को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेम फॉन्ट साइज होगा, कलर व्हाइट होगा, फॉन्ट फैमिली सेम होगा, टेक्स्ट शैडो का जो कलर होगा वो चेंज करेंगे। 30 पिक्सल ही रहने दीजिए और यहाँ पे कलर चेंज कर दीजिए ब्लू। लेटर स्पेसिंग भी सेम रहने दीजिए। देखिए गौर से रन करने पे ऐसा दिखाई दिया।
अब इसको यानी कि ये जो टेक्स्ट है इसको इसके ऊपर फिट करेंगे। तो ऐसा करने के लिए आप इसमें पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो और इसका वैल्यू एब्सोल्यूट दे दीजिए। टॉप से इसका वैल्यू डिफाइन कर दीजिए इस तरह से 0 और लेफ्ट से इसका वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 0। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए इसके ऊपर दिखाई दिया। अब ये ब्लू वाला जो आपका फॉन्ट होगा वो हिडन होगा, तो ब्लू वाले फॉन्ट को हाइड करने के लिए जो 2 वाला आपने सेलेक्ट किया था यहाँ पे ऐसे CSS के अंदर, उसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू नन डिफाइन कर दीजिए। तो ऐसा करने से पहले से वो हिडन होगा, हमें डिफाइन करना है कि जब हम कर्सर ओवर करें तो वो दिखना चाहिए। तो देखिए गौर से, ये जो डिवेलपमेंट है इसी पे जब हम कर्सर ओवर करेंगे तो वो दिखेगा। तो ऐसे डिफाइन कर दीजिए डिव में ओवर सूडो क्लास को और सेलेक्ट कर लीजिए 2 को। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप डिव पे कर्सर ओवर करोगे तो 2 आपका कंट्रोल होगा। आप डिफाइन कर दो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू ब्लॉक हो जाएगा, यानी अगर हम डिव पे कर्सर ओवर करेंगे तो जो 2 वाला एलिमेंट है यानी कि ये वाला एलिमेंट ये दिख जाएगा। जरा देखिए कर्सर ओवर करने पे ये दिखाई दिया। तो इस प्रकार से आप ग्लोइंग टेक्स्ट इफेक्ट को बनाओगे। याद रखिए यहाँ जो मैंने कलर इस्तेमाल किया या शैडो का वैल्यू इनपुट किया ये पहले से टेस्टेड था। मैंने कई बार ट्राई किया था, कभी 0 में यहाँ पे राइट करता था, कभी 20, कभी 40, कभी 50। तो ये पहले आपको बार बार कोशिश करके देखना होगा कि क्या टेक्स्ट शैडो में हम फिट करेंगे जिससे वो ग्लोइंग इफेक्ट हमें जनरेट करके देगा। ओके, तो पहले सेम ऐसा ही बना लीजिए जैसा मैंने आपको बताया और फिर उसके बाद टेक्स्ट शैडो का वैल्यू और कलर को चेंज करके देखिए, इससे भी अच्छा इफेक्ट आप दर्शा पाओगे। वैसे वैप इंस्टीट्यूशन अभी आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस में पूरे 30% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है 2020 दिसंबर तक। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वेबसाइट पर विजिट कीजिए और इस कोर्स के सिलेबस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। इसमें इनरोल कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, या हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच कीजिए स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स को। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और वैप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।